अंड भक्त तो चश्मा उतार देना, जो जायदा के अंड भक्त है ना ये कौम काटेगी बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग। अगलो कदम ये है कि चिमचा थोड़ा सा कोई पोस्ट डाल रो कि नेता बन रहा है, फलान बन रहा है, ढिकान बन रहा है, कौम की जो आवाज़ उठाता है ना वो लाठियां भी खाते हैं, जेलों में भी जाते हैं आंदोलनकारी, ठीक है। और जेल से तो मुझे डर ही नहीं लगता मेरे भाई, जेल में तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, मैं तो कई बार जा चुका हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी खौफ नहीं है, बिल्कुल भी दहशत नहीं है। और मौलाना हारून के साथ उसके नाम पे जाऊँगा, उलमा की रहनुमाई, अंबियाओं के जो वारिस हैं उनके लिए जेल जाऊँगा, तो इससे बड़ी फख्र की और क्या बात होगी यार। धर्म के नाम पर, दीन के नाम पर दुनिया तो आतंकवाद मचा के जेल जा रही, चोरी करके, लूट करके, डकैती करके जेल जा रही, मैं तो अपने उलमाओं के लिए जाऊँगा, अपनी आने वाली नस्लों के लिए जेल जाऊँगा मेरे भाई। इसलिए कह रहा हूँ अंड भक्त तो चश्मा उतार देना, जो जायदा के अंड भक्त है ना चश्मा उतार देना, धर्म का ये चश्मा उतार देना आँखों से, थोड़ी शर्म रख लेना, बेहया हो अगर शर्म हो तो तुम्हारे बाकी, और बीच में मत आना नहीं, कटाई अच्छी होगी याद रखना, तुम्हारी ठुकाई नहीं हुई ना सही तरीके से, ये कौम काटेगी बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग को। तमाम उलमाओं को इकट्ठा करूँगा, पूरी मेवात के उलमाओं को इकट्ठा करूँगा, और पूरी मेवात के आलिमों को बुला के फिर रोडों पर उतरेंगे, हम ये लगार करेंगे इंशाल्लाह। जुनैद और नासिर की जो हत्या हुई थी उसके लिए हम एक सवाल करते हैं, जुनैद और नासिर की हत्या को लेकर काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो अभी तक उनके लिए कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है, और ये वही जाबिर हैं जो बराबर जिस दिन से जुनैद और नासिर की हत्या हुई उसी दिन से लेकर आज तक उनके इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। खैर अभी तक उनके लिए कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है, और जाहिदा खान कहीं ना कहीं कहती है कि हम मुलजिमों को गिरफ्तार कराने में पूरी पूरी मेहनत कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस अच्छी तरह से मेहनत कर रही है, तो इसके बारे में हम जाबिर साहब से मालूम करें कितने दिन हो गए, और आखिर अभी तक जो मोनू मानेसर है वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो गए, क्यों नहीं